हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका। अब आप मानव से आज के शुभ समाचार सुनेंगे। आज के ज्यादातर खबरें मारपीट से जुड़ी हैं, इसलिए जरा सावधानी से सुनिएगा। पहली खबर अपने पड़ोसी दिल्ली से। मफलर वाले अंकिल की दिल्ली में उस वक्त हंगामा मच गया जब सड़क के बीचों बीच लड़कियों के ग्रुप ने लखनऊ के एक मासूम लौंडे के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। जब लड़के ने ना चाहते हुए भी विरोध किया तो लड़के को दिया गया। अरे मतलब खूब मारा गया। अब रमेश नाम का ये लड़का मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा है और फिलहाल रजाई में मुंह देकर सोशल मीडिया पर ज्ञान भरे स्टेटस अपलोड करने में व्यस्त है। रमेश के दोस्तों ने कबूतर के मुंह में चिट्ठी फिट करके सरकार को भेजते हुए अपील की है कि इस मासूम लड़के को जी भरने के लिए उसका साल दो साल का नेट का रिचार्ज करा दिया जाए ताकि उसका आगे का जीवन अच्छे से कर सके। बहरहाल देखना होगा कि उसके दोस्तों की अपील पर सरकार कितनी जल्दी एक्शन लेती है। अगली खबर मेरठ से। मेरठ के अनपढ़ नगर मोहल्ले में एक युवक की 20 सड़क पर ही उसकी पत्नी ने चप्पलों से पिटाई कर दी। महिला का कहना है कि उरी फिल्म देखने के बाद उसमें दुश्मन के खात्मे का जोश जाग उठा और उसको पति से तगड़ा दुश्मन कोई लगा ही नहीं, इसलिए 20 सड़क पर ही चप्पलों के साथ अपने पति पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। वीडियो बना रहे लोगों के मुताबिक चप्पल चलाते चलाते महिला के हाथ में दर्द भी हुआ था, लेकिन फिर भी बहादुर महिला ने हिम्मत नहीं हारी और करहाते करहाते अपने मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया। घटना पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वो खुद भी किसी के पति हैं, इसलिए चाहकर भी वो इस मसले पर कुछ नहीं कर सकते, पर फिर भी कुछ दयालु पुलिस कर्मियों ने युवक की फेसबुक प्रोफाइल पर सैड रिएक्शन देकर अपनी संवेदनाएं जरूर जाहिर कर दी हैं। तीसरी खबर क्रिकेट के मैदान से। शर्मा जी के लौंडे रोहित शर्मा ने एक बार फिर से अपने बल्ले के कमाल से विरोधी टीम को चने मुरमुरे दाल सब चबवा दिए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतरीन खेल दिखाते हुए शर्मा जी ने 62 रन की बेहतरीन पारी खेली जिसमें 2 लंबे चौड़े छक्के और 3 चौके शामिल थे। न्यूजीलैंड के कप्तान चाचा केन विलियमसन ने कहा है कि शर्मा जी का लौंडा इस मैच में लिट्टी चोखा खाकर मैदान में आया था, इसी वजह से उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा। इस मौके पर एक नारा बुलंद करते हुए दिल्ली के लौंडे विराट भैया ने कहा है कि चाहते हो अगले 2 मैचों में न्यूजीलैंड को हराना, एक बार और सुनिए, चाहते हो अगले 2 मैचों में न्यूजीलैंड को हराना तो नजदीकी लिट्टी चोखा रेडी पर जरूर है जाना। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए रहिएगा सावधान सतर्क और जो भी रह सकते हैं रह लीजिएगा, ठीक है, नमस्ते। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।